तो दोस्तों आप भी अपने स्नैपचैट में दूसरी आईडी को बनाना चाहते हो, देखिए दूसरे अकाउंट को आप देखिए क्रिएट करना चाहते हो, देखिए कैसे क्रिएट कर सकते हो बिना नंबर के, स्टूडियो में आपको उधर देखिए सिखाने वाला हूँ। अभी आप देखिए एक स्नैपचैट को यूज़ कर रहे हो, लेकिन देखिए आप दूसरा एक अकाउंट को, नया अकाउंट को क्रिएट करना चाहते हो, तो ये वीडियो आपके लिए है, तो इस वीडियो को पूरा एंड तक जरूर देखना। तो चलिए बिना टाइम वेस्ट के इधर से वीडियो को शुरू करते हैं। तो दोस्तों देखिए आपको इधर ओपन कर देना है सिंपल अपना स्नैपचैट को, वही आपका अकाउंट ओपन कर देना है पुराना वाला अकाउंट। अब देखिए आप नया अकाउंट बनाने के लिए आपको इधर क्या करना पड़ेगा, उससे पहले देखिए आपको इधर क्या करना पड़ेगा, अपने प्रोफाइल में आ जाने, जैसे कि देखिए मेरा एक अकाउंट है जैसे कि आपके सामने इधर दिखाई दे रहा है, आपको इधर दूसरा अकाउंट को क्रिएट करने के लिए आपको इधर देखिए अपने प्रोफाइल में आके आपको सेटिंग्स के ऊपर क्लिक करके, वैसे नीचे आओगे तो आपको इधर देखिए लॉग आउट करके ऑप्शन मिल जाएगा, इसके ऊपर क्लिक करके आपको फर्स्ट क्या करना पड़ेगा, अपने अकाउंट को इधर से लॉग आउट कर देना है। दोस्तों लॉग आउट करने के बाद देखिए इस तरीके से आ जाएगा, देखिए आपके सामने इधर दिखाई देगा मेरा एक देखिए और एक दूसरा एक अकाउंट है मेरा, मैं आपको इधर देखिए दिखा देता हूँ इसमें से कैसे आप देखिए नया अकाउंट को क्रिएट कर सकते हो। तो आपको इधर देखिए क्या करना पड़ेगा, दो ऑप्शन आ जाएगा स्विच अकाउंट सिग्न अप करके, तो आपको देखिए सिग्न अप के ऊपर क्लिक कर देना। तो क्लिक करने के बाद देखिए इस तरीके से आ जाएगा, तो आपको इधर देखिए कंटिन्यू के ऊपर क्लिक कर देना। तो क्लिक करने के बाद देखिए इस तरीके से आ जाएगा, तो आपको अलाउ के ऊपर क्लिक कर देना, या आप नहीं कर रहे तो भी चलेगा, इधर से देखिए मैं अलाउ के ऊपर क्लिक कर दूँ। तो क्लिक करने के बाद आपको इधर क्या करना पड़ेगा, अपने नाम को इधर से ऐड कर देना है। मैं आपको इधर देखिए दिखाने के लिए पवन करके इधर से ऐड कर लेता हूँ, पवन के करके आपके सामने इधर दिखाई देगा। तो इस तरीके से ऐड करने के बाद देखिए आपको सिग्न अप एक्सेप्ट के ऊपर क्लिक कर देना है। तो क्लिक करने के बाद देखिए इस तरीके से आ जाएगा, तो आपको क्या करना पड़ेगा, अपना डेट ऑफ बर्थ इधर से ऐड कर देना है। तो देखिए फटाफट से मैं ऐड कर लेता हूँ। तो डेट ऑफ बर्थ को ऐड करने के बाद देखिए आपको कंटिन्यू के ऊपर क्लिक कर देना। आप देखिए बिना नंबर ऐड किए बहुत इसी तरीके से अकाउंट को क्रिएट कर सकते हो। तो देखिए इस तरीके से यूजर नेम आ जाएगा आपके सामने इधर दिखाई देगा, तो आपको इधर देखिए अपना यूजर नेम को चेंज करने के लिए, अपने पसंद का यूजर नेम रखने के लिए आपको इधर देखिए चेंज माई यूजर नेम के ऊपर क्लिक कर देना। तो क्लिक करने के बाद देखिए इस तरीके से आ जाएगा, इधर से देखिए कौन सा भी इधर से यूजर नेम को ऐड कर सकते हो या रख सकते हो। तो एग्जाम्पल के लिए मैं आपको इधर देखिए दिखाने के लिए इधर से क्या करता हूँ, पवन के इस तरीके से रिक के, आप देखिए अपना पसंद का कौन से आप देखिए लिखना चाहते हो यूजर नेम आपको उधर रिक देना है। जैसे कि देखिए मैं आपको उधर एग्जांपल के लिए दिखाने के लिए फटाफट से इधर से एक चूज कर लेता हूँ, इसमें से मैं ले लेता हूँ। तो लेने के बाद देखिए कंटिन्यू के ऊपर आपको क्लिक कर देना है। तो क्लिक करने के बाद देखिए आपको क्या करना पड़ेगा, पासपोर्ट को इधर से क्रिएट कर देना है। तो फटाफट से मैं देखिए पासपोर्ट को क्रिएट कर लेता हूँ। पासपोर्ट को क्रिएट करने के बाद देखिए आपको कंटिन्यू के ऊपर क्लिक कर देना है। तो क्लिक करने के बाद देखिए आप इधर से अलाउ के ऊपर क्लिक कर देना है। तो मैं इधर से डेने कर लेता हूँ। तो देखिए आपको थोड़ा वेट करना, तो वेट करने के बाद देखिए आपको इधर इस तरीके से आ जाएगा, आपका मोबाइल नंबर इधर से डालने को बोलेगा। लेकिन आपको इधर क्या करना पड़ेगा, इधर से देखिए सिग्न अप विथ ईमेल इंस्टेंट करके आपको एक ऑप्शन मिल जाएगा, नीचे देख सकते हो, तो आपको इसके ऊपर क्लिक कर देना है। तो क्लिक करने के बाद देखिए इस तरीके से आ जाएगा, तो आपको इधर देखिए क्या कर देना है, अलाउ कर देना है। तो देखिए इस तरीके से आ जाएगा, तो आपको इधर क्या करना पड़ेगा, आप देखिए दूसरा एक ईमेल एड्रेस को इधर से ऐड कर देना। आपके पास ईमेल एड्रेस होंगे या नहीं है तो देखिए आप दूसरा एक ईमेल एड्रेस को क्रिएट कर देना। तो क्रिएट करने के बाद इधर से ऐड कर देना। तो देखिए मैं फटाफट से इधर से ऐड कर लेता हूँ। तो दोस्तों ईमेल एड्रेस को आपको ऐड करने के बाद देखिए सिंपल कंटिन्यू के ऊपर क्लिक कर देना है। तो क्लिक करने के बाद देखिए इस तरीके से आ जाएगा, जैसे कि देख सकते हो आप देखिए वीडियो म्यूजिक को इधर से क्रिएट कर सकते हो। तो इधर से देखिए आपको स्किप करना चाहते हो आप स्किप कर सकते हो। तो देखिए मैं स्किप कर लेता हूँ इधर से। तो स्किप करने के बाद देखिए इधर अकाउंट क्रिएट हो चुका है, जैसे कि देखिए आपके सामने ही मैं आपको इधर दिखा रहा हूँ। इधर से देखिए चार्ट्स में लेके आ रहा हूँ, तो जैसे कि देख सकते हो नया अकाउंट इधर से क्रिएट हो चुका है बिना नंबर के। इस तरीके से देखिए आप दूसरे अकाउंट को इधर से क्रिएट कर सकते हो, जैसे कि देख सकते हो मैंने इधर से यूजर नेम रखा हुआ था, वो यूजर नेम भी आ चुका है। अब दो अकाउंट को इधर से बहुत ही ईजी तरीके से यूज़ कर सकते हो, वो भी मैं आपको इधर दिखाया था। तो आपको इधर देखिए वो पहला वाला अकाउंट को इधर से लॉगिन करने के लिए आपको इधर क्या करना पड़ेगा, आपको इधर देखिए सेटिंग्स के ऊपर क्लिक कर देना है। तो क्लिक करने के बाद देखिए इस तरीके से आपका ईमेल रहेगा, तो आपको इधर क्या करना पड़ेगा, कौन सी ईमेल आपने डाला हुआ है उस ईमेल पर आपको मेल आ जाएगा कंफर्म करने के लिए। कंफर्म करोगे इधर देखिए ईमेल आ जाएगा, फिर नीचे आओगे तो देखिए लॉग आउट करके ऑप्शन मिल जाएगा। अब देखिए वेरीफाई नंबर करने को बोलेगा, तो आपको इधर देखिए नॉट नो के ऊपर क्लिक करके इधर से सिंपल लॉग आउट कर देना। आपको इधर देखिए आपका यूजर नेम और पासवर्ड पता होना चाहिए, नहीं तो आप देखिए जीमेल का भी ऐड कर सकते हो। तो देखिए इस तरीके से मेरा अकाउंट इधर से आ चुका है, वैसे देखिए पुराना अकाउंट भी इधर से आ चुका है और एक मेरा अकाउंट है वो भी इधर देखिए आ चुका है। तो इस तरीके से देखिए बहुत इसी तरीके से अकाउंट को क्रिएट कर सकते हो। मैं इधर देखिए लॉगिन कर लेता हूँ पहले वाले अकाउंट के ऊपर। तो देखिए तो इस तरीके से देखा बहुत इसी तरीके से दूसरे अकाउंट को क्रिएट कर सकते हो। तो उम्मीद करता हूँ आपको इधर के वीडियो पसंद आया होगा। तो वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक कर देना और ऐसे रिलेटेड वीडियोस देखने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करके ऑल नोटिफिकेशन के ऊपर क्लिक कर देना। आपको कोई भी प्रॉब्लम आ रही है तो आप इंस्टा पे डीएम कर सकते हो। तो चलिए मैं मिलता हूँ एक नए वीडियो के साथ, तब तक के लिए बाय बाय और जय हिंद दोस्तों।